लाइव कॉन्सर्ट में आदित्य नारायण ने फैंस से की बदसलू की। फेमस बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉन्सर्ट के दौरान अपने एक फैन से बदसलूकी करते हुए नजर आए। वायरल हुआ ये वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रहे कॉन्सर्ट के दौरान का है। यहाँ आदित्य स्टेज पर शाहरुख खान की फिल्म डॉन के गाने आज की रात पर परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान एक फैन जो उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहा था, आदित्य ने पहले उसके हाथ पर माइक मारा और फिर उसका फोन छीन कर भीड़ में फेंक दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से 36 साल के आदित्य नारायण को ट्रोल किया जा रहा है। वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, आदित्य नारायण के साथ समस्या क्या है, इन्हें किस बात का इतना घमंड है अपने फैंस के लिए ऐसा बिहेवियर। वहीं एक यूजर ने लिखा, उनका ये रवैया गुस्सा कर देने वाला है, भाई ने उस इंसान के हाथ पर भी माइक मार दिया। फैंस सोचकर हैरान हैं कि आदित्य ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब तक इस मामले पर आदित्य की तरफ से कोई सफाई या बयान जारी नहीं किया गया है। इस मामले के बाद आदित्य के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट छोड़कर बाकी सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट भी कर लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आदित्य नारायण किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं। इससे पहले 2017 में भी उनकी एयरपोर्ट स्टाफ के साथ लड़ाई हुई थी। तब भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एयरपोर्ट स्टाफ को धमकी देते हुए नजर आए थे। इसके अलावा भी आदित्य कई बार अपने गुस्से के चलते सुर्खियों में आ चुके हैं।